बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन स्टूडेंट्स। हमने पिछले टॉपिक में जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज, पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, फिर उनके यूनिट्स भी पढ़े। तो ये उससे रिलेटेड एक क्विज दिया हुआ है छोटा सा, जिसको अंडरस्टैंड करना ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा जरूरी है। तो ओके, देखें जरा, तीन क्वेश्चन हैं छोटे छोटे। सबसे पहले, हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये आप डेफिनेशन लिख के बता देंगे, जो कि ऑलरेडी आपने मार्क की है, अपने रजिस्टर में भी लिखी होगी। सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई बेस क्वांटिटी इन द फॉलोइंग। इनमें से हमने बेस क्वांटिटी बतानी है। तो बेस क्वांटिटीज टोटल 7 है। आप देखें इनमें से बेस क्वांटिटी कौन सी है। स्पीड तो नहीं हो सकती है, हमने उसमें पढ़ी नहीं, एरिया भी नहीं पढ़ा, फोर्स भी नहीं पढ़ा। डिस्टेंस हो सकती है, बिकॉज डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ। सो दिस फोर्थ वन इज द बेस क्वांटिटी। ये एक उसने आपको पैटर्न दे दिया कि इस तरह के आपको MCQs पूछे जा सकते हैं। कोई भी क्वांटिटी इस तरह से लिख के तो आपसे पूछ सकता है कि ये बेस है या डिराइव्ड है। तो इसमें ये तीनों डिराइव्ड है, ये बेस क्वांटिटी। थर्ड क्वेश्चन देखें जी, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज बेस आर डिराइव्ड क्वांटिटी। इनमें से बेस और डिराइव्ड बतानी है। तो डिराइव्ड कितनी है और कौन कौन सी है, ये अभी हमें नहीं पता चला, हमने तो चंद एक इस चैप्टर में पढ़ी है। बट वी नो दैट बेस क्वांटिटीज आर टोटल 7। तो हम पहले बेस क्वांटिटीज इसमें से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो आप देखें जरा, टोटल ये क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं। डेंसिटी, फोर्स, मैस, स्पीड, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। इसमें से सबसे पहले मैस, ये बेस क्वांटिटी है। टाइम इज बेस क्वांटिटी, लेंथ इज बेस क्वांटिटी एंड टेम्परेचर इज बेस क्वांटिटी। दीज ऑल आर बेस क्वांटिटीज एंड रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। इस तरह से आप इनको बता सकते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं। इस तरह के क्विज जो आपको आए वो आपने उनको सॉल्व करते जाना है साथ साथ। इनको रजिस्टर पे लिखने की जरूरत नहीं है, आप इनको बुक पे ही कर सकते हैं। नो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस नाम से आपको समझ आनी चाहिए मतलब क्या। प्री का मतलब क्या होता है, पहले। फिक्सेस का मतलब जो फिक्स किया हो, पहले से फिक्स किया हो। फिजिक्स में हमें बेटा बहुत बड़ी बड़ी और बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज जो है वो लिखने को मिलती हैं, और कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, अपने टाइम को मैनेज करने के लिए और लिखने में कोई मिस्टेक ना हो, उसके लिए हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या किया हुआ है, हमने प्रीफिक्सेस का एक जो है वो निज़ाम बनाया हुआ है, एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो वो प्रीफिक्सेस का सिस्टम क्या है कि हम जो जीरोज होते हैं उनको 10 की पावर के तौर पे जो है वो साथ लिखते जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में नंबर ऑफ जीरोज हमारे मिस नहीं होते, या बहुत छोटी क्वांटिटीज में भी नंबर ऑफ जीरोज मिस नहीं होते। जैसे ये देखें, एक क्वांटिटी लिखी हुई है 250,000 मीटर्स, फिर उसके बाद ये क्वांटिटी लिखी है 0.002 वाट, और ये लिखी है 0.00002 ग्राम। तो अब इन क्वांटिटीज को बार बार लिखते हुए वी मे हैव अ मिस्टेक टू राइट द नंबर ऑफ जीरोस। तो ऐसी क्वांटिटीज जो बहुत छोटी हैं या बहुत बड़ी हैं, इनको लिखने के लिए हम SI यूनिट्स के साथ जो है वो 10 की पावर जो है वो साथ मेंशन कर देते हैं। तो बेसिकली हम इनको मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखते हैं, जिन्हें हम प्रीफिक्सेस का नाम देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखें, ये यहां से आपको मिल जाएगी। सम ऑफ द क्वांटिटीज आर ईदर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल। फॉर एग्जांपल, क्वांटिटीज जो हमने डिस्कस की, SI यूनिट्स हैव एडवांटेज दैट देयर मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रीफिक्सेस। इनको प्रीफिक्सेस के तौर पे लिख सकते हैं। अब प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, ये डेफिनेशन है। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर SI यूनिट्स, सच एज किलो, मेगा, गीगा एंड मिली। ये लेटर्स हैं जो हम
क्वांटिटीज के साथ लगाते हैं, और ये टेबल में इनकी वैल्यूज भी दी हुई हैं। यू कैन सी इन द टेबल, कहता है द प्रीफिक्सेस वैल्यूज आर गिवन इन द टेबल। द प्रीफिक्सेस आर, फायदा क्या है इनका, दे आर वेरी यूजफुल टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज आर वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, बहुत बड़ी या छोटी क्वांटिटीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिवाइड 20,000 बाय 1,000 टू एक्सप्रेस इट इन किलोग्राम्स। तो 20,000 को अगर हमने किलोग्राम्स में लिखना हो, 20,000 ग्राम्स है, तो 1,000 से डिवाइड कर लें, मतलब 10 रेज टू पावर 3 से हमने इसको डिवाइड करना है, तो ये किलोग्राम में आ जाएगी इस तरह से। यानी कि हम 20,000 को इस तरह से लिख सकते हैं, 20 × 10^3। ये जो 3 जीरोज है, इन्हें 10^3 लिखा, तो 10^3 जो है वो किलो के साथ आ जाएगा। तो इसी तरह से हम डिफरेंट क्वांटिटीज को जो है वो प्रीफिक्सेस की सूरत में लिख सकते हैं। जैसे ये देखें, ये 200,000 m/s, तो इसमें से इन 3 जीरोज को हमने 10^3 लिखा, जिसको हमने किलो में कन्वर्ट कर लिया। मीटर पर सेकंड साथ ऐसे ही था, हमने किलो लगा दिया प्रीफिक्स, दिस किलो इज फॉर प्रीफिक्स। सिमिलरली सेम इज डन इन द सेकंड एग्जांपल। और ये थर्ड एग्जांपल देखें, ये हर्ट्ज में ये फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। अब इसमें देखें कितने जीरोज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इन 6 जीरोज को 10^6 लिखेंगे, और 10^6 जो है वो प्रीफिक्सेस में होता है मेगा। एंड सेम इज डन ओवर हेयर, ये नीचे वाले हिस्से में ऐसे किया गया है कि इसके हमने टोटल 10^6 बनाने के लिए क्या किया है, यहाँ से लेके तो यहाँ तक ये टोटल 6 डिजिट्स हैं, तो हमने 10^6 लगा ली, पॉइंट को साथ यूज कर लिया, यहाँ पे पॉइंट ले आए हैं 4.8, 10^6 वॉट, 10^6 को मेगा में कन्वर्ट कर लिया। पॉइंट इस तरह से आगे कैसे लेके गए हैं, ये हमने अगले टॉपिक में डिस्कस करना है, वो मैं अगले टॉपिक में आपको बताऊंगा। अच्छा, प्रीफिक्सेस का टेबल देख लें, ये देखें जरा इसका टेबल, ये प्रीफिक्सेस का हमें टेबल दिया हुआ है। प्रीफिक्सेस में जो वैल्यूज हैं, एग्जा कैपिटल ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं 10^18, फिर है पेटा कैपिटल पी 10^15, इस तरह से सारी क्वांटिटीज यहाँ पे दी हुई हैं। इसमें से कुछ जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं, मतलब कि वो रेगुलरली यूज होती है न्यूमेरिकल्स में, जैसे मेगा है 10^M 10^6, किलो के 10^3, फिर उसके बाद है सेंटी 10^-2, मिली 10^-3, माइक्रो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ये भी एक ग्रीक लेटर है 10^-6, नैनो एन स्मॉल एन है 10^-9, फिर पाइको या पीको दोनों तरह से इसको बोला जा सकता है, पी 10^-12, फिर है फेमटो एफ 10^-15। अच्छा, अब ये बाकी भी जो सारे हैं ये भी आपने याद रखने हैं, ऑब्जेक्टिव में आपको कोई भी पूछा जा सकता है। अगर आपको ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाए प्रीफिक्सेस वाला, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप ये डेफिनेशन लिखेंगे और साथ इसका ये यूज बता देंगे, ये यूजफुल है बड़ी और छोटी क्वांटिटीज को लिखने के लिए, या आप ये शुरू वाला हिस्सा भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी यूज के तौर पे आप लिख लें। डेफिनेशन ये जो यहाँ पे लिखी है, एंड एग्जांपल कैन बी गिवन दिस वन। एक तो एग्जांपल ये है कि 20,000 ग्राम वाली, और दूसरी यहाँ से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, इस तरह से आप इसको डिफाइन कर देंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर प्रीफिक्सेस, होपफुली आपको इसकी समझ आई है। अगले टॉपिक में हम, अगले लेक्चर में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।